मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, पटेल स्मारिका का विमोचन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री संतोष धनबाड़ी के पूरे देश के लिए एक गौरव का दिन। ऐसा नेतृत्व तो हमको मिला और उसने देश में आने की बात जो दिशा दी, वो आने वाले वर्षों में हमको लगातार याद आता रहेगा। ये अलग बात है कि जोरदार तालियों से रिठौरा में राजदीप हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ कभी भी आपको किसी तरह की आवश्यकता हो, जरूरत हो तो आप आइए, हम आपकी सेवा के लिए वहाँ उपलब्ध हैं। थैंक यू। सरकार आई सरदार पटेल जी को एक सही रूप में सरकार के द्वारा स्मरण किया जा रहा है। ये अलग बात है कि आज़ादी से लेकर अब तक जो उपेक्षा हुई उसको कोई शब्द, कश्मीर की समस्या का हल कभी हो गया होता, जो आज उस दिशा में हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, धारा 370 को समाप्त करना और किस प्रकार से आगे बढ़ने का काम करना, ये वर्तमान सरदार पटेल हमारे समाज, हमारे देश के आदर्श, और वास्तव में हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम अपने आप को सरदार पटेल के समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं। और वास्तव में आज़ादी के बाद जो सम्मान और स्थान उनको मिलना चाहिए था, उसमें लगता है कहीं ना कहीं कमी रही। पर वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद इसको पूरा करने का काम किया है, वो धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचार को ध्यान में रखें और देश को चलाने के लिए उसी हिसाब से आगे बढ़ने के रूप में चलने का काम करें।